साल खत्म होने से एक हफ्ते पहले सीमा मैडम क्लास में आई और सभी बच्चों से कहा, सभी बच्चों सुन लो, 1 जनवरी यानी कि नए साल के पहले दिन हम सब लोग पिकनिक पर जाएंगे नदी किनारे जंगल के पास। ये सुनकर सारे बच्चों में खुशियों की लहर बह गई। टीना, मीना, मुन्नी, पूजा और राधा भी बहुत खुश हो गईं। लेकिन तभी सीमा मैडम ने फिर से कहा, अरे पूरी बात तो सुन लो, पिकनिक के लिए हर एक बच्चे को 500 रुपए देने होंगे। जो पैसे नहीं दे पाएगा वो पिकनिक पर नहीं जा पाएगा। ये बोलकर सीमा मैडम चली गई और पांचों बच्चियां दुखी होकर बैठ गईं। तब क्लास की सबसे अमीर लड़की मेघा ने उन पांचों से कहा, क्यों निकल गई हवा, 500 रुपए देने की औकात है? टीना ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं है, तेरे को क्या? मुझे कुछ नहीं, बस अब दफा हो जाओ यहाँ से, ये स्कूल तुम लोगों के लिए नहीं है, गरीब की औलादों। मेघा ताना मार कर चली गई। टीना, मीना, मुन्नी, पूजा और राधा एक ही गांव की गरीब लड़कियां हैं और वो पांचों हर रोज 2 घंटे चलकर शहर आती हैं, बस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। सरकार से मदद की वजह से वो पांचों इस स्कूल में पढ़ पा रही हैं, वरना ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में गरीबों के लिए जगह कहाँ है। लेकिन उन पांचों बच्चियों को हमेशा बाकी और अमीर बच्चियों से ताने सुनने पड़ते हैं। कोई ताना मारता था, अरे गरीबों जाओ ना अपने घर में जाकर पढ़ो, अरे उन लोगों के पास तो घर ही नहीं है। तो कोई उनके मुंह पर अपमान कर देता था, ये क्या टिफिन लाए हो तुम लोग, रोटी और गुड़, फेंको ये सब खाकर स्कूल का अपमान मत करो। और कभी कभी तो टीचर खुद कह देती थी, तुम पांचों को बोल रही हूँ, किताबें खरीदने की औकात नहीं है तो स्कूल मत आया करो, घर पर रहकर खेती बाड़ी करो। इसी तरह उन पांचों का दिन गुजरता था। लेकिन उन पांचों बच्चियों ने कभी भी हार नहीं मानी। सुनो, अभी हम गरीब हैं, अभी सब लोग हमें सुनाएंगे, लेकिन एक दिन हम अमीर होंगे पढ़ाई करके, इसलिए हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। टीना उन पांचों में सबसे बड़ी थी, इसीलिए सभी टीना की बात मानते थे। पांचों को पिकनिक पर जाने का मन था और उन लोगों ने अपने अपने माता पिता को ये बात बताई। टीना के पिता ने कहा, बेटी तुझे तो पता है मेरे पास पैसे नहीं है, होते तो मैं अभी दे देता। पांचों में से किसी के भी माँ बाप ने पैसे नहीं दिए, तो पांचों ने प्लान बनाया। सुनो सब लोग, हम काम करेंगे 1 हफ्ता, जो भी काम मिले वो करेंगे और 500-500 रुपए का इंतजाम करेंगे। टीना के कहने के मुताबिक पांचों काम पर लग गईं। गांव में और गांव के बाहर जो भी काम मिला वो पांचों करने लगे। नाला साफ करना हो या किसी के घर की सफाई करनी, पांचों ने बड़ी शिद्दत से काम किया और 1 जनवरी सुबह कुल मिलाकर 2500 रुपए जमा हो गए। टीना जल्दी चल, नहीं तो बस छूट जाएगी। पांचों बच्चियों ने दौड़ लगाई। वहां मेघा और बाकी अमीर बच्चे खुश हो रहे थे, अच्छा हुआ कि वो पांचों भिखारियों की औलाद नहीं आई। और तभी दौड़ते हुए वो पांचों आ गए। मैडम ये लीजिए पैसे। अरे वाह, पैसों का जुगाड़ कर लिया, चोरी वोरी तो नहीं की? नहीं मैडम, मेहनत करके पैसे कमाए हैं। तुम और तुम्हारी मेहनत, ठीक है जाओ बस पर चढ़ जाओ। पांचों को बस में पीछे वाली खराब सीट मिली, वो पांचों उसी में खुश हो गए। बस पर जाते वक्त मेघा ने बाकी बच्चों के साथ प्लान बनाया। सुनो, आज इन पांचों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का बहुत अच्छा मौका है। मेघा ने प्लान बना लिया। वो लोग 1 घंटे में नदी के किनारे पहुंच गए और वहां ठंड बहुत ज्यादा थी। अमीरों के बच्चों ने महंगे स्वेटर पहन लिए, लेकिन इन पांचों गरीब बच्चियों के पास तो स्वेटर ही नहीं था। वो पांचों ठंड से कांपते हुए पिकनिक एंजॉय करने लगे। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी, सारे बच्चे खेलने कूदने लग गए, लेकिन टीना और बाकी चारों के पास करने के लिए कुछ नहीं था। कोई भी इन लोगों के साथ खेलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पांचों आपस में खेलने लगे। ऐसे ही पिकनिक में खाना खाने का वक्त आ गया। राइस और चिकन बना था, सभी बच्चों को 5-5 पीस करके चिकन मिला, लेकिन इन पांचों को सिर्फ ग्रेवी दी गई। लेकिन पांचों ने शिकायत नहीं की और खाने के बाद मेघा ने अपनी चाल चली। ए टीना इधर आना। हाँ बोल। जरा जंगल में जाना अपनी चारों सहेलियों को लेकर। जंगल में? लेकिन क्यों? मैडम ने कहा है जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लाने के लिए, ठंड बढ़ रही है ना, हम लोग लकड़ियाँ जलाकर आग सेकेंगे। ठीक है, मैडम ने बोला है तो हम जाते हैं। लेकिन सीमा मैडम ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। वो पांचों जंगल के अंदर लकड़ी का जुगाड़ करने चले गए और यहाँ मेघा ने सीमा मैडम से कहा, मैडम सब कुछ हो गया है, अब चलिए घर चलते हैं, ठंड बढ़ रही है। हाँ चलो सब लोग बस पर चढ़ जाओ।
सब लोग बस पर चढ़ गए और सीमा मैडम ने देखा तक नहीं कि पांचों बच्चियां बस पर नहीं है। बस चलने लग गई। उधर जंगल से लकड़ी लाने के बाद पांचों ने देखा कि नदी के किनारे तो कोई है ही नहीं। अरे ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। ये जरूर उस मेघा का प्लान था, उसने जानबूझकर हमें जंगल के अंदर भेजा। लेकिन अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे? हमें जंगल के अंदर ही रहना होगा, कैसे भी करके ये रात गुजारनी होगी। पांचों जंगल के अंदर घुस गए और तभी बर्फबारी शुरू हो गई। पांचों बच्चियों को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। लेकिन मुसीबत तो आई कहीं और। बर्फ गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया और बस बीच रास्ते में फंस गई। इससे आगे बस नहीं जाएगी, अभी बर्फ की वजह से रास्ता बंद हो गया है। क्या, तो हम कहाँ रहेंगे? सभी को बस में ही रहना होगा। लेकिन हम सब इतनी ठंड में रात भर इस बस में कैसे रहेंगे? रहना पड़ेगा मैडम, ठंड सह नहीं सकते तो यहाँ आए ही क्यों? बस आगे नहीं बढ़ रही थी और अंदर अमीरों के बच्चे परेशान हो गए थे। उन्हें इतनी ज्यादा ठंड सहने की आदत नहीं थी और बस पर सोने की भी आदत नहीं थी। वो तो अमीर थे, लेकिन टीना, मीना, मुन्नी, पूजा और राधा गरीब घर से थी। मेहनत करना उनके खून में था। वो किसी भी हालत में जिंदा रह सकते थे, इसीलिए इतनी ज्यादा ठंड में बिना स्वेटर के सिर्फ पतली सी चद्दर ओढ़े जंगल में बर्फ के बीच में जिंदा थे। लेकिन ठंड में उन्हें तकलीफ तो हो रही थी। जो भी हो जाए, हमें एक दूसरे से दूर नहीं जाना है, हमें एक साथ रहना है। तभी टीना ने देखा कि एक बंदर जख्मी होकर पड़ा है और ठंड में उसे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे अरे, इस बंदर को क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? पेड़ से गिरकर चोट लग गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत ठंड लग रही है। अरे बेचारा, ये लो तुम मेरी चद्दर ले लो। टीना के शरीर पर एक चद्दर थी, उसने वो चद्दर बंदर के शरीर पर ओढ़ा दिया और फिर लकड़ियां घिसकर आग जलाई और उस आग में बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। पहले पानी से बंदर की चोट को अच्छे से धोया और फिर वहां पत्तों का रस निकालकर लगा दिया। बंदर बैठ गया और बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बची है, मैं ये हमेशा याद रखूंगा। और तभी बच्चियों पर भूखे शेरों के झुंड ने अटैक कर दिया। अब हम तुम सभी को खा जाएंगे। हम आदमखोर शेर हैं, कितने दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया है, आज तो मजा ही आ जाएगा। बच्चियां डर गई। इस बार तो टीना भी डर गई, लेकिन बंदर ने कहा, डरो मत, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। बंदर ने अपने मुंह से एक आवाज निकाली और वहां बंदरों का झुंड चलाया। बंदरों ने शेरों को चमाट मारा और सारे शेर भाग गए। पांचों बच्चियों की जान बच गई। ये सब करते करते सुबह हो गई और सूरज उठ गया। बर्फ पिघलने लगी और उससे बस फिसलने लगी। अरे ये क्या हो रहा है, हम खाई में गिरने वाले हैं। बस के सभी अमीर बच्चे डर गए, किसी किसी ने तो डर के मारे पैंट में सुसुई कर दिया। सुबह होते ही पांचों बच्चियां जंगल से निकल चुकी थी। कुछ देर चलने के बाद ही उन्होंने बस को फिसलते हुए देखा। अरे बस फिसल रही है, सब लोग मर जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। बंदर, ये पुकार सुनकर तुरंत बंदरों का झुंड वहां आ गया और सभी ने बस को धक्का मारना शुरू किया। पांचों बच्चियों ने भी बस को दम लगाकर धक्का मारा और फिर जाकर बस खतरे से बाहर आ गई। और फिर सभी अमीर बच्चों ने बस से निकलकर पांचों गरीब बच्चियों को गले लगा लिया। आज तुम लोग नहीं होते तो हम मर जाते, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, आज से हम लोग दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड। उस दिन से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। इसके बाद से स्कूल में कभी भी इन पांचों बच्चियों को नहीं चढ़ाया गया, सब लोग उनके साथ पढ़ने और खेलने लगे। और इसी तरह नए साल में पांचों बच्चियों को नई शुरुआत मिली और वो सभी खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूजा, टीना, माला, लता और मीनू एक ऐसे गांव में रहती थी जहाँ कोई स्कूल नहीं था। स्कूल जाने के लिए उन लोगों को जंगल पार करके शहर में जाना पड़ता था। पांचों बच्चियों के पास साइकिल भी नहीं थी और पैसे भी नहीं थे। गांव से शहर जाने के लिए कोई बस या ट्रेन भी नहीं थी, इसीलिए उन्हें 2 घंटे पैदल जाना पड़ता था।
स्कूल जाने में 2 घंटे और स्कूल के बाद घर लौटने में भी 2 घंटे लगते थे और घर लौटकर उन्हें घर का काम भी करना पड़ता था। खैर, ठंड का मौसम आ गया। 5 बच्चियां एक दिन स्कूल गई और स्कूल के सारे अमीर बच्चे आपस में कहने लगे, अरे देखो देखो, आ गए गरीब भिखारियों की औलाद। मैं तो इन लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, क्यों आते हैं ये लोग स्कूल में। उन्हीं अमीर बच्चों में से एक थी नेहा। उसका बाप शहर की सबसे बड़ी कंपनी चलाता था, इसीलिए नेहा को घमंड भी बहुत था और वो हर रोज इन 5 गरीब बच्चियों की टांग खींचती थी। अरे अरे, ठंड बढ़ गई है यार, तुम लोगों के पास स्वेटर नहीं है क्या? नहीं, स्वेटर होता तो हम पहन कर ही आते ना। हाँ, बात तो सही है। खैर, मेरे पालतू कुत्ते के ना 2-3 स्वेटर पुराने हो गए हैं, तुम लोगों को चाहिए? ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। नहीं नहीं, उन्हें स्वेटर फिट नहीं होगी। 5 को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। पता नहीं तुम जैसे गरीबों की औलादों को हमारे स्कूल में चांस कैसे मिला। मेरिट की वजह से तुम लोगों के बापों ने तो पैसे देकर तुम्हारी एडमिशन करवाई है, लेकिन हम लोग एग्जाम में बैठकर पास किए हैं, तब जाकर हमें स्कॉलरशिप मिली है। अच्छा, अब बात भी करने लगी हो, ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन 5 बच्चियों को बेंच पर बैठने को नहीं मिलता था। वो 5 नीचे जमीन पर ही बैठती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी, लेकिन आज उनका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। पता नहीं वो कुत्ता ठीक हो भी पाया या नहीं, बहुत चिंता हो रही है। हाँ, मुझे भी, जाते वक्त हम उससे मिलते हुए जाएंगे। आज गांव से स्कूल आते वक्त जंगल में उन लोगों ने देखा कि एक जंगली कुत्ता घायल अवस्था में तड़प रहा है। उसके पैर में चोट लगी थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो देखकर 5 को बहुत दया आ गई। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पट्टी तो बांध सकते हैं ना? पूजा ने अपनी फ्रॉक फाड़ डाली और उसी से कुत्ते की चोट पर पट्टी बांध दी। कुत्ता खड़ा हो गया। तुम 5 ने मेरी मदद की, नहीं तो मैं आज यहाँ मर जाता। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगे चलकर तुम लोगों को कोई मुसीबत हो तो मैं हाजिर रहूँगा। यहाँ स्कूल में बैठकर 5 बच्चियाँ वही सोच रही थी। टीचर क्लास में आई और 5 को स्वेटर ना पहनने की वजह से डांटने लगी, लेकिन डांट कर भी क्या ही होगा। जिस घर में 2 वक्त चूल्हा जलाने के पैसे नहीं है, उस घर में स्वेटर कहाँ से आएगा। स्कूल की छुट्टी हो गई और बाहर बहुत ठंड हो गई। थोड़ी थोड़ी बर्फ भी गिरने लगी। अरे, मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर नहीं आया अभी तक, आज बर्फ का तूफान होने वाला है, मुझे जल्द से जल्द घर जाकर गर्मा गर्म सूप पीना है। ये सुनकर 5 बच्चियाँ चिंता में पड़ गयी, उन्हें घर जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। चलो जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द घर पहुँचना है। 5 जितना तेज हो सके चलने लगी। नेहा को पूजा ने गुस्सा दिला दिया था। नेहा अभी तक गुस्सा थी, अमीर घर की लड़कियों में गुस्सा बहुत होता है, वो जब तक बदला ना ले ले उन्हें शांति नहीं मिलती। इसीलिए नेहा ने अपने ड्राइवर से कहा, ए ड्राइवर, मुझे जंगल में ले चलो, मेरे पास चाकू है, मैं आज उन 5 को सबक सिखाऊंगी। लेकिन मैडम, आपके पिताजी गुस्सा करेंगे। तुम्हें जैसा बोल रही हूँ ना वैसा ही करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। ड्राइवर ने नेहा को जंगल में छोड़ा और नेहा के कहने पर गाड़ी लेकर घर चला गया। नेहा 5 बच्चियों का इंतजार करने लगी। इस जंगल में ही ना 5 को खत्म कर दूंगी, मुझसे जबान लड़ाती है ये, आज मैं दिखाती हूँ इन लोगों को। उधर 1 घंटा चलने के बाद पूजा, टीना, माला, लता और मीनू जंगल में घुस गई और तभी अचानक से बर्फबारी शुरू हो गई। जोर जोर से हवाएं चलने लगी। ऐसा तूफान उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। पूजा दीदी, अब क्या करना है, किधर जाना है, अब मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मीनू, हमें तूफान के रूप में तब बस एक साथ रहना है और जिंदा रहना है, सभी एकजुट होकर खड़ी हो जाओ।
पांचों बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। तभी उन्होंने किसी को ठंड में कांपते हुए बात करते हुए सुना। अरे बाप रे, कितनी ठंड है, मुझे नहीं पता था कि आज इतनी बर्फबारी होने वाली है। पूजा ने नेहा को देख लिया। नेहा एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। नेहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम लोगों से बदला लेने आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में मुझसे उस तरह से बात करने की? मैंने जो किया सही किया, तुम मुझे मारने आई हो क्या? हाँ, मैं इस चाकू से तुम्हें मार दूंगी। नेहा ने चाकू उठाया, उसका हाथ कांप रहा था। टीना ने हंसते हुए कहा, पहले खुद ठंड से तो बच लो, नहीं तो तुम खुद ही मर जाओगी। चुप रहो तुम, मैं मर जाऊंगी? मेरे पिता के पास कितना पैसा है जानती भी हो? नेहा, जंगल में पैसा तुम्हें बचा नहीं सकता। चाहे कितना भी पैसा हो तुम्हारे पास, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तूफान में अगर बचना है तो हमारे साथ रहो। नेहा को ठंड तो बहुत लग रही थी, उसने ड्राइवर को गाड़ी के साथ घर भी भेज दिया था। नेहा को अब समझ में आ रहा था कि पैसों से दुनिया का सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। नेहा ने और कुछ नहीं कहा। पूजा ने कहा, नेहा तुम्हारे पास चाकू है ना? चाकू दो, हमें लकड़ियाँ काटनी होंगी। नेहा से चाकू लेकर पांचों बच्चियाँ लकड़ियाँ काट कर अपने लिए एक घर जैसा बनाया। नेहा, घर के अंदर आ जाओ। घर? इसे तुम घर कहती हो? इससे बड़ा तो मेरा बाथरूम है। ठीक है तो मत आओ, पड़ी रहो ठंड में। पांचों अंदर घुस गई, लेकिन जिद पकड़कर नेहा बाहर खड़ी रही। लेकिन उसे बहुत ठंड लगने लगी। बाप रे, ये ठंड तो जानलेवा है। पूजा, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? मैंने तो पहले ही कहा था, टूट गया ना घमंड। पूजा ने जिस कुत्ते के पैर पर पट्टी बांधी, वो जंगल में पूजा और बाकी बच्चियों का इंतजार कर रहा था। लेकिन पूजा तो बाकियों के साथ जंगल के दूसरे हिस्से में फंस गई थी, और वो हिस्सा खतरे से खाली नहीं था। वहाँ आदमखोर शेर का एक झुंड रहता था। तूफान के कारण वो सब सो रहे थे, लेकिन वो कभी भी जाग सकते थे। उधर पूजा और बाकियों के घरवाले चिंता में पड़ गए। सुनिए जी, पूजा अभी तक बाकी बच्चियों को लेकर घर नहीं लौटी। मुझे चिंता हो रही है, तूफान भी आ गया है और बर्फ भी गिर रही है। चिंता मत करो, पूजा समझदार है, जो भी हो जाए वो ठीक ही रहेगी। पूजा सच में सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन नेहा बहुत घबराई हुई थी। पूरे जंगल को बर्फ ने घेर लिया था। वहाँ से बाहर जाने का और बाहर से अंदर आने का रास्ता नहीं था, और नेहा के घर में उसके पिता नेहा को लेकर बहुत चिंता कर रहे थे। वो ड्राइवर पर गुस्सा उतार रहे थे। मुझे कैसे भी करके मेरी बेटी को वापस लाना है, मैं अभी मंत्री जी को कॉल करता हूँ। नेहा के पिता बहुत अमीर थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्होंने मंत्री जी को कॉल किया और जंगल में हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहा। मंत्री जी, जितना पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप बस हेलीकॉप्टर भेजिए और मेरी बेटी को वापस लाइए। देखिए, ये पैसों के बारे में नहीं है, ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते हम, हमारे जवान रिस्क नहीं ले सकते। मंत्री जी ने साफ मना कर दिया। उधर ठंड और भी बढ़ने लगी, और इसीलिए पूजा आग जलाने के लिए चाकू लेकर लकड़ियां काटने निकल गई। लेकिन काटते हुए उसने अपनी उंगलियों में चाकू मार दिया और उंगली से खून निकलने लगा, और खून की खुशबू से शेर का झुंड जाग गया। अरे, इंसानी खून का खुशबू आ रहा है, चलो सब, बहुत दिनों बाद इंसान का मांस खाने को मिलेगा। शेर का झुंड आगे बढ़ने लगा, और जंगल के दूसरे छोर से वो कुत्ता भी पूजा को ढूंढते हुए आने लगा। लकड़ी काट के पूजा आग जलाने ही वाली थी कि तभी वहाँ शेरों का झुंड आ गया। अब क्या होगा तुम लोगों का, कहाँ भागोगे, हम सब तुम्हें खा जाएंगे। उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। भागो, भागो, भागो सब लोग। सभी भागने लगे और शेर उनका पीछा करने लगे। नेहा को इन सब की आदत नहीं थी, इसीलिए वो पीछे रह गई
और एक शेर ने उसे पकड़ लिया। पूजा, मुझे बचाओ, पूजा, पूजा। पूजा ने ये देखा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो एक लकड़ी लेकर आई और उस शेर को मार कर भगा दिया। उसके बाद वो नेहा का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी, लेकिन शेर का झुंड बहुत तेज था। शेरों ने लड़कियों को पकड़ा ही था कि तभी वहाँ वो कुत्ता आ गया। रुक जाओ, तुम लोग उन्हें मार नहीं सकते, उससे पहले मुझे मारना होगा। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुत्ता भी शेर बन जाता है, तो यहाँ तो एक कुत्ते के सामने 10 शेर थे, लेकिन फिर भी कुत्ते ने भयानक लड़ाई की और सभी शेरों को घायल कर दिया। तुमने हमें बचा लिया। तुमने सुबह मेरी जान बचाई थी, उसके बदले मैं तो ये कर ही सकता हूँ। रात बढ़ती गई और लोगों में चिंता भी बढ़ती गई और देर रात को गांव वाले हाथ में डंडा, लोहे का डंडा और हथियार लेकर निकल पड़े। सुबह तक बर्फ का तूफान रुक गया और गांव वालों ने खोदना शुरू किया। बर्फ को काटते ही वो लोग जंगल में घुस गए और पूजा ने उन लोगों को देख लिया। हम यहाँ हैं, यहाँ। गांव वालों ने लड़कियों को गर्म कपड़े दिए। नेहा रोने लगी। अब मेरा क्या होगा, मेरे पापा तो मुझे लेने नहीं आए। चिंता मत करो नेहा, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगी। नेहा पूजा के साथ उसके गांव गई और उसके घर में एक रात बिताई। वो दोनों अच्छी दोस्त बन गई। अगले दिन पूजा नेहा को लेकर शहर गई और उसे घर छोड़ दिया। नेहा के पिता पूजा पर बहुत खुश हुए और उन लोगों के स्कूल आने के लिए जंगल के बीच से एक रास्ता बना दिया और एक गाड़ी भी दे दी। उसके बाद से स्कूल में किसी ने पांचों बच्चियों को नहीं चिढ़ाया और सभी खुशी खुशी पढ़ाई करने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।